भारत माता की जय। ये सुल्तानशाही वाल्मीकि नगर जो एक सफाई कर्मचारियों का नगर कहा जाता है, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या सफाई कर्मचारियों की है, उन सफाई कर्मचारियों की जो सुबह उठकर पूरे देश की गंदगी साफ करने के लिए अपने घरों से निकलकर पूरे देश की स्वच्छता पर ध्यान रखते हैं, आज उन्हीं की स्वच्छता के ऊपर मूल भाव से उंगली उठाई जा रही है। आज उन्हीं की नगर में, उन्हीं की बस्तियों में सफाई नहीं हो पा रही है। यहाँ पर देखा गया है, यहाँ पर म्युनिसिपल डिपार्टमेंट भी कोई एक कार्य लेकर वाल्मीकि नगर महतरवाड़ी जिसे कहा जाता है, ये एक बहुत बड़ा स्लम और दलित नगरी है। इसके अंदर सभी शेड्यूल कास्ट से जुड़े हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं। यहाँ की सरकार कहती है कि शेड्यूल कास्ट के लिए हम लोग बहुत कुछ डेवलपमेंट के कार्य कर रहे हैं। क्या शेड्यूल कास्ट के लोग रहने वाले दलित स्लम एरिया में, ये देखिए आप इस पर गौर कीजिए, इस तरह की हालत यहाँ कितने दिन से बने? कम से कम 10 से 15 दिन हो चुके हैं। कोई पब्लिक को हैजा वजारा करते हैं पूरी गंदगी से। यहाँ का कारपोरेटर भी जो MIM के है, वो अभी तक जब से बने हैं, जब से लेकर के आज तक भी यहाँ झांक कर नहीं देखा गया है। आप देखिए कि जो कॉरपोरेटर का करीबी इलाका है, चारों तरफ से वहाँ पर रोड बन रहे हैं, नई पाइपलाइन डली जा रही है, नलों का कनेक्शन लिए जा रहे हैं, नए पाइप डाले जा रहे हैं, पर दूसरे जो उनसे हटके एरिया है वो एरिया में कोई डेवलपमेंट का कार्य नहीं किया जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ के MIM के MLA सिर्फ वो आते हैं 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन झंडा फहराने के लिए, उसके बाद उन्हें कभी बस्ती में झांक कर नहीं देखा जाता है। वो MLA ने कभी यहाँ पर निजी इंस्पेक्शन तक भी नहीं किया गया है, ना यहाँ के बल्दिया को वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, ना यहाँ के कोई मतलब यहाँ के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है जो म्यूनसिपल से जुड़े हुए होते हैं, वो भी सामने आकर के यहाँ पर कोई कार्य नहीं करते हैं। यहाँ के कार्य होना है तो MLA और कॉरपोरेटर के बगैर नहीं हो सकते। यहाँ कोई दूसरे जनरल लोग भी जा करके कंप्लेंट देते हैं तो वार्ड मेंबर के पास जाने के लिए कहते हैं, कोई कॉरपोरेटर के पास जाने के लिए कहते हैं, कोई फ़ोन करने के लिए कहते हैं, उनके बगैर यहाँ पर कार्य करने के लिए कोई सामने नहीं आता है। अगर आ भी जाता है तो उनके कार्यकर्ता आकर उन पर धाक डालने लगते हैं, डराने लगते हैं, धमकाने लगते हैं, क्योंकि ये एरिया एक हिंदू बहुसंख्यक समाज है, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दलित रहते हैं। यहाँ पर जानबूझकर इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, यहाँ के कार्यों को अंजाम नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर कार्य नहीं किया जा रहा है। ये परिस्थिति आप भी देख रहे होंगे, मैंने वीडियो में मोरी भरकर जा रही है, कम से कम 10 से 15 दिन हो चुके हैं, वैसे मोरियों को भी बताया है। उससे पहले मैंने कई वीडियोस डाले थे जो यहाँ पर कुछ कार्य नहीं हो रहे हैं बता करके, उन कार्यों को भी करना काफ़ी मुश्किल से हम लोग पीछे लग कर करने के बावजूद भी वो लोग आकर इनॉग्रेशन नहीं करने तक भी वो कामों को शुरू नहीं किया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर्स इनके होते हैं और जो भी कार्य करने वाले सरकारी तौर पर निजी कार्यकर्ता जो उनके रहते हैं वो लोग भी इन्हीं के लोग होते हैं, वो लोग कार्य करते हैं इन्हीं के आदेशों के अनुसार, नहीं तो नहीं करते हैं। मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि जल्द से जल्द हमें इससे मुक्ति दिलाइए, क्योंकि यहाँ पर जो माहौल बना हुआ है इससे काफ़ी लोग बीमार होने के अंदेशा है, और अभी पेंडेमिक का भी आप लोग देख रहे हैं पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, कोविड का माहौल उसी तरह बरकरार है। 3 से 4 साल हो चुके हैं, लोगों को खांसी हो रही है, सर्दी हो रही है, कोई हेल्थ डिपार्टमेंट वाले कोई झांक कर नहीं देखते, यहाँ पर कोई बस्ती दवाखाना तक भी नहीं है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर गौर करते हुए इस सुल्तानशाही की जो वाल्मीकि नगर स्लम एरिया है, हाँ जो दलित वाड़ा है, उसकी ओर ध्यान दें। धन्यवाद। हाँ सर, कॉल आता है इससे। आप अपने बोले कर लो भाई, 5 दिन से बंदे देखो ये कंप्लेंट देते भी नहीं रहे, हम लोगों की सफाई करते ये कौन करता, देखो किसमें देना कंप्लेंट,
दिए 10 वक्त दिए कंप्लेंट, अब किसको देना बोलो? ये वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट को आप कंप्लेंट दिए? हाँ दिए वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, आते आते बोले बड़ी गाड़ी आ रही नहीं, अब किसको देना? कमिश्नर को देना क्या बोलो? कितने आपको देंगे ले लो बस सर्टिफिकेट जा रहा है बेचारा कर रहे।